कोविड महामारी के दौरान नौकरी की लालसा को दरकिनार करते हुए हमीरपुर के एक नौजवान युवक ने स्ट्रॉबेरी को सफलतापूर्वक उगाया और पैसा भी कमाया है। हमीरपुर के साथ लगते विकास नगर में युवा प्राकृत लखनपाल ने बंजर पड़ी हुई भूमि पर साफ सफाई करके 1000 स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए, जिसमें उन्हें सफलता मिली है और अब उन्हें इन पौधों से अच्छी आमदन हो रही है। हमीरपुर में प्राकृतिक तौर तरीके से स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी भी खाने को मिल रही है। अब तक 1 क्विंटल तक स्ट्रॉबेरी की पैदावार होने से खेतीबाड़ी में दिलचस्पी रखने वाले युवा प्राकृत भी बेहद खुश हैं। प्राकृत लखनपाल ने बेंगलोर से स्ट्रॉबेरी के 1000 पौधे मंगवाए और सही ढंग से देखभाल करने के बाद अब पौधे अच्छी आमदन दे रहे हैं। मार्च माह से स्ट्रॉबेरी के पौधों पर फल लगना शुरू हुए और रोजाना 5 से 10 किलो स्ट्रॉबेरी मिल रही है, जिसे सब्जी मंडी में भी 100 रूपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। युवा प्राकृत लखनपाल ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्ट्रॉबेरी के प्लांट मंगवाए गए थे और वातावरण के अनुकूल होने के चलते स्ट्रॉबेरी के पौधों पर फल लगना शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि इसके महंगे पौधे खरीदे गए थे ताकि उन्हें बाद में इससे मुनाफा हो सके। कंसेप्ट ये था कि हमें नॉर्मल जो वेजिटेशन होती है उसमें नहीं जाना है, हॉर्टिकल्चर में ही जाना है और हमें एग्जॉटिक फ्रूट्स के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। उसका बेसिक रीज़न ये होता है कि उसका जो प्राइस होता है मार्केट में वो बड़ा अच्छा मिलता है। तो पहले मैंने मेरा जो ये है वो ये पायलट प्रोजेक्ट है 1000 प्लांट्स के साथ, जो मैंने महाबलेश्वर से आगे जगह है एक सोलापुर, वहाँ से मंगवाए हैं। राइज एंड शाइन करके कंपनी है। मेरे को यहाँ पे भी सोलन में भी काफ़ी सारे प्लांट्स मिल रहे थे 3 रुपये में, लेकिन मैंने थोड़ा एक्सपेंसिव प्लांट्स लेना कमन बनाया, क्योंकि जो कंपनी मतलब हिमाचल में 5000 या 50000 प्लांट्स बेचेंगे लोग, और जो दूसरी कंपनी है पूना में महाराष्ट्र में वो 50 लाख प्लांट्स बेचती है साल के स्ट्रॉबेरी के ही। और ये विंटर डॉन वैरायटी मैंने लगाई है। मैंने जब लगाया था तब नवंबर था, ठंड बहुत थी, मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी तक प्लांट्स को सर्वाइव करना था, और फिर मेरे को जो बताया गया था कि फरवरी मार्च के आसपास इसकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो स्ट्रॉबेरी का मतलब मेरे को एंड ऑफ ऑल ये था कि मैं पैसे खर्च दूं और उसके बाद मेरे को प्रोडक्शन ना मिले, तो मैं वैसा नहीं चाह रहा था, तभी मैंने थोड़े एक्सपेंसिव प्लांट्स लिए थे। और इनकी फ्रूटिंग ठीक आई है, सारा मतलब एक प्लांट एक सीजन के हिसाब से अराउंड 500-600 ग्राम्स के आसपास फ्रूटिंग दे देते। उन्होंने बताया कि जैविक तरीके से पौधों की देखभाल की गई है और अब उन्हें अच्छा उत्पादन मिल रहा है। बाजार में 200-250 रुपए किलो के हिसाब से मिलने वाली स्ट्रॉबेरी के मीठे फल का पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ट्रायल सफल रहा, जिससे लोगों ने भी खुशी जाहिर की है। अगर आप देख भी सकते हो बीच में, तो जहाँ पे मैंने क्रॉप लगाई है उसके अंदर कोई भी बहुत कम वीड्स आपको आएंगे, और इसकी मेंटेनेंस में हमें कोई बड़ा खास प्रॉब्लम नहीं आई। जब हम बात करें प्लांट्स के बारे में, तो जब मैंने मल्चिंग शीट से काम करना शुरू किया तो मल्चिंग शीट में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसमें खरपतवार बहुत अच्छी तरह रुक जाता है, सारा न्यूट्रिएंट प्लांट को मिलता है, और इस मॉडल में फ्रूटिंग काफ़ी अच्छी हो रही है। सर मैंने मतलब इसका अच्छा सीज़न जो होता है, मेरे को बाद में मैंने मन बनाया था स्ट्रॉबेरी प्लांट्स लेने का, सितंबर में स्टार्ट हो जाते हैं। सितंबर में आपको बाहर से आप जहां मर्जी से लेना चाहो, महाबलेश्वर से ले लो, राइज एंड शाइन कंपनी है, बहुत सारी कंपनीज हैं, सोलन से लेना है सोलन से ले लीजिए, यूनिवर्सिटी से लेना है, वो अपना मन बनाना पड़ता है कि आपको कहां से लेना है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मेरे को टेंशन नहीं चाहिए थी, मेरे को फ्रूटिंग ही चाहिए थी और मेरे को इसके ऊपर लेबर कम लगानी थी, तो उसके लिए मैंने थोड़े एक्सपेंसिव प्लांट्स लिए थे ताकि मेरे को फर्स्ट ईयर मेरे को समझ आ जाए कि ये चीज़ करनी कैसे है। सो एज आई टोल्ड यू कि इट वॉज अ पायलट प्रोजेक्ट, 1000 प्लांट्स मैंने लिए थे, 900 उसमें से सर्वाइव हो गए हैं, कुछ सूख भी जाते हैं, वो आपको लेके चलना चाहिए कि मर जाएंगे। और उसमें से भी अगर मैं कहूँ तो अराउंड 600 प्लांट्स मेरे पास बहुत अच्छी फ्रूटिंग दे रहे हैं। एम अकेडमी पब्लिक स्कूल में एक एज एन एडमिन ऑफिसर काम करता हूँ, और स्कूल के पास ही हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी लैंड है जो स्कूल के अंडर ही टेक ओवर की है, और हमें जो बहुत फ़ायदा हो जाता है स्कूल के थ्रू वो है उनका एसटीपी प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो पाइप्स के थ्रू हमने कनेक्शन करके यहाँ पे डायरेक्टली पानी आता है, जो भी मल मूत्र होता है स्टूडेंट्स का सारा हम लोग खेतों में डालते हैं, और जो वाटर वेस्ट होता है उसको हम लोग खेतों में डालते हैं, जिससे हमें कोई भी फर्टिलाइज़र कोई भी न्यूट्रिएंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
सारे नहीं। स्थानीय निवासी मदन लाल ने बताया कि स्ट्रॉबेरी बाहर से ही हिमाचल आती है, लेकिन प्राकृत ने अच्छा प्रयास किया जिससे स्ट्रॉबेरी अच्छी लग रही है। उन्होंने बताया कि अब उन्हें ज्यादा स्ट्रॉबेरी लगने की उम्मीद है। अरे प्रकृति जी है, इन्होंने जो है पूना से मंगवाई थी, तो हम पहले जो हम देखते थे दुकानों के ऊपर जो है पैक होकर आती थी, बोले बाहर से आती है। फिर हमने पौधे मंगवाए, तो एक बार जो है हमने इसको लगाया, तो लगभग हमारे पूरे के पूरे पौधे जो है वो लग गए और अच्छी इसमें लग रहे हैं। बड़ा है फ्रूट भी उसका, और अच्छा फ्रूट लग रहा है। डेली का तोड़ के जो है हम बेच रहे हैं इसका जो है, तो और भी अगर लगाएं तो लग सकती है इस ज़मीन के ऊपर जो है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो है। डेली की चार पाँच किलो जो है वो गई है। हाँ, जब शुरू में था ना अच्छा फ्रूट आ रहा था शुरू में, अभी थोड़ा ख़त्म हो गया, अभी नया फ्रूट बन रहा है, तो अभी उसके बाद ही होगा। बस 4-5 किलो जो है वो हमने नीचे बाजार में दिया, मंडी में जो है। क्या मानते हैं, कैसा टेस्ट और क्या सक्सेस है? बढ़िया है, जैसे बाहर का टेस्ट है वैसा ही इसका है, कोई इसमें ये नहीं है, अच्छा है। पर खुद अपना उगाया हुआ और भी अच्छा है, ऑर्गेनिक है इसमें, ना हमने खाद दिया ना कुछ किया, बस मिट्टी है, आप चेक कर लो उसमें पानी है, बस इसका जो है ऑर्गेनिक पानी जो दे रहे हैं उसी से थ्रू लिया है हमने, कोई खाद डाल रहे हैं या वो डाल रहे हैं वो नहीं है कुछ। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से इस सिंह की रिपोर्ट। गोलू मोलू बाबू सोना, सबका दुश्मन है ये कोरोना, जब भी घर से बाहर जाना मुंह पे अपने मास्क लगाना, घर गलती से टच हो कहीं तो हाथों को सैनिटाइज करो ना, जिस पे चले ना जादू टोना, भूत का बच्चा है ये कोरोना, सोशल डिस्टेंसिंग में रहो ना, वरना हो सकता है कोरोना। गोलू मोलू बाबू सोना, सबका दुश्मन है ये कोरोना।